हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 10th मार्च 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले अशोक लेलैंड में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में हमें 7.50% का यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 106.75 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा जो यहाँ पे हमें पॉजिटिव मूवमेंट जो देखने मिलने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक पे बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम की तो वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज से थोड़ा ज्यादा हमें वॉल्यूम जो आज के दिन देखने मिल रहा है और यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो बनी है यहाँ पे एक मीडियम साइज की जो यहाँ पे दोनों साइड में हमें विक जो है देखने मिल रही है। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आरएसआई की, आरएसआई यहाँ पे 34-35 के आसपास जो आ चुका है जो जरूर हमें एक यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट का जो है फिलहाल यहाँ पे इशारा दे रहा है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो है हमारे यहाँ पे बेसिस पे जो फिलहाल यहाँ पे जरूर जो पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखते हुए देखने मिल सकता है, अपसाइड मूवमेंट जो है देते हुए देने जा सकता है। यहाँ पे इजिली स्टॉक जो 115 तक स्टॉक जो अपसाइड मूवमेंट जो दे सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं स्टॉक में कितना भी पॉजिटिव मूवमेंट आए करंटली यहाँ पे स्टॉक में ट्रेंड जो है वो अभी भी नेगेटिव चल रहा है। 20 एमए जो है अभी भी 50 एमए के जो नीचे चल रहा है जो स्टॉक के ट्रेंड को जो यहाँ पे नेगेटिव कर देता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूंगा जरूर जो आप यहाँ पे थोड़ा सा जो है कॉशियसली काम करें क्योंकि अपसाइड मूवमेंट जो भी आएगा सारा का सारा जो टेम्पररी होगा। यहाँ पे हम जो है जब तक परमानेंट का जो है यहाँ पे कोई इशारा ना मिले हम बिल्कुल भी यहाँ पे फिलहाल जो है ट्रेड नहीं करेंगे। बाकी अगर यहाँ पे आप रिस्क लेना चाहते हैं तो जरूर यहाँ पे ये जो शॉर्ट टर्म गेन है वो आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप रिस्क टेकिंग प्लेयर है तो यहाँ पे जरूर जो आप उसको ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे मेरा ओपिनियन जो है यहाँ पे जरूर आने वाले दिनों के लिए पॉजिटिव का बन रहा है। आपका क्या बनता है इस स्टॉक में जरूर हमें कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब फोर स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन आर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी स्टॉक में होती है उसका सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे मैं जरूर आपको मार्क करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे याद रखना जिस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग जो है वो कर रहा हूँ आप जो है सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग कर सकते हैं क्योंकि ये सारी की सारी मार्किंग जो है वो आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करने में। तो जरूर जो मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूंगा जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ आप अपने चार्ट पे भी जो है वो कर ले। बाकी यहाँ पे अगर आपने अभी तक हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियो नहीं देखा तो मैं जरूर यहाँ पे आपको रेकमेंड करूंगा हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियो देख ले। वहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया और यहाँ पे किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमें हेल्प करती है हमारा एक यहाँ पे डिसीजन को जो है क्लियर करने में, मतलब चाहे हमारा जो है डिसीजन एक पॉजिटिव साइड के लिए हो या फिर नेगेटिव साइड के लिए हो हमें जो है एक क्लैरिटी मिलती है हमारे जो है कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से जहां पे हम जो है अच्छी तरह से जो अपना और प्रॉफिटेबल मैं कहूं तो यहां पे ट्रेड जो है ले पाते हैं। तो जरूर जो मैं कहूंगा यहां पे आप उसको देख ले, आई बटन में मैं जरूर जो उसको ऐड करके रख दूंगा। तो यहां पे ऑलमोस्ट हमारा जो है मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सीधा हम अब बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। तो फिलहाल यहां पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि यहां पे आपको हर एक जो है पॉइंट्स जो सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन है वो आपको यहां पे क्लियरली दिखे। तो यहां पे
आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो है 106.60 के आसपास जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 105.40 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता है 108.25 का। तो याद रखना, डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हो जहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो यहाँ पे मैंने आई बटन में एक कॉन्सेप्ट एट टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। बाकी यहाँ पे बात करूं मैं मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में कल के लिए, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 102.55 का, उसके बाद क्या आता है 98.35 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 112.70 का, उसके बाद क्या आता है 115.75 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसीडर में रखते हुए जो यहाँ पे अपना कल के दिन का जो ट्रेड ले। बाकी अब मैं बात करता हूँ मेरे ओपिनियन की आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए। मेरा ओपिनियन जो इस स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव साइड का जो बन रहा है करेंटली, स्टॉक जो है मुझे लगता है 102.55 से लेकर 105.40 के बीच में हमें क्लोजिंग जो है दे सकता है। बाकी कल के दिन याद रखना यहाँ पे जो है ओपनिंग जो है हमारा कल के दिन थर्सडे है, एक्सपायरी है, तो यहाँ पे जो है ओपनिंग थोड़ी सी पॉजिटिव देखने मिल सकती है। लेकिन मुझे लगता है अगर यहाँ पे जो है कल के दिन एक्सपायरी जो है यहाँ पे गेम हुई तो यहाँ पे इसी बीच में स्टॉक जो है मतलब नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में स्टॉक जो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव में क्लोजिंग देखते हुए देखने मिल सकता है। लेकिन करेंटली आज के क्लोजिंग के बेसिस पे मेरा ओपिनियन कल के लिए जो नेगेटिव का बन रहा है। आपका क्या ओपिनियन है जरूर हमें कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।